नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा आरुषि, तू कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जा। एक काम कर, तू कल ही यहाँ पर आ जा। कुछ दिन यहाँ पर रहेगी तो तेरा भी मन बहल जाएगा, और मम्मी पापा को मेरा बाय बोलना। ओके, बाय, टेक केयर। क्या हुआ मानसी, किससे बात कर रही थी? अरे वो आरुषि से बात कर रही थी, वो कल आ रही है। ये तो अच्छी बात है। क्यों, मम्मी पापा परेशान कर रहे हैं? हाँ वही, मम्मी पापा फिर से शादी की रट लगाए हुए हैं। कह रहे हैं एक लड़का देखा है, सरकारी नौकरी तो है पर उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। और आप आरुषि को तो जानते हो ना कि वो विकी को कितना प्यार करती थी, वो अब तक उसे बुला नहीं पाई है। क्या करती, मना कर दिया उसने। यार उस बेचारी का कहना भी तो सही है ना, 6 महीने हुए उसके पति को गुजरे हुए और मम्मी पापा दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगता है ना मन बदलने में। वैसे तुमने अच्छा किया उसे यहाँ बुला लिया, यहाँ रहेगी तो थोड़ा मन बदल जाएगा। पर आशीष, मम्मी पापा का भी तो कहना सही है ना, वो भी उसके भले के लिए ही बोल रहे हैं ना। हो गया तुम्हारे मायके का? अरे तो क्या है जनाब का मुंह? मेरे मूड के बारे में तुम्हें पता है ना? नहीं, मुझे नहीं पता, थोड़ा विस्तार में बताएंगे। विस्तार में बताऊं? बहुत खूबसूरत होता है। कैसी है तू? अच्छा चल अंदर चल। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। चल तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी वानी सब बाद में दी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी। और बताओ दीदी, जीजू कैसे? अभी भी उतना ही प्यार करते या टाइम के साथ प्यार कम हो गया है? टाइम के साथ प्यार और बढ़ गया। मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छा, लेकिन बस उन्हें मेरी शादी की टेंशन है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका अब जिंदगी जीने का मकसद सिर्फ मेरी शादी है। समझ नहीं आता कि उनको कैसे समझाऊं। पर आरुषि, उनकी भी सोच सही है ना, मेरी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। दीदी अब आप भी उनकी तरह बातें करने लगे हो। पर दूसरी शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है आरुषि, विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ उसका प्यार भी चला गया है, और तुझे अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है दीदी, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरे भी सीने में दिल है। विकी को गुजरे सिर्फ 6 महीने हुए और आप लोग कह रहे हो कि मैं शादी कर लूं? नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं हो सकता। भले ही विकी के घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन विकी और उसका प्यार हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगा। और मुझे नहीं लगता दीदी मैं अब किसी और से शादी कर पाऊंगी या फिर किसी और से कभी प्यार कर पाऊंगी। I'm sorry आरुषि, मैं भी मम्मी पापा की तरह सोचने लगी थी, पर तू सही कह रही है, तेरी भी फीलिंग्स है, तुझे शादी नहीं करना है ना, तो तू मत कर। लेकिन प्लीज कोई टेंशन मत ले, और तुझे जब तक इस घर में रहना है ना तो तब तक रह सकती है, कोई तुझे शादी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। ओके अच्छा, अब तो कुछ खाएगी ना?
चल फिर मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो कल आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे पास जाऊंगा टाइम से। हाँ अरे नमस्कार आशीष भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ नीरज भाई, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। अरे आपके घर पे कोई मेहमान आया है? कौन है? वो आरुषि होगी, मेरी साली है, बेचारी किस्मत की मारी। मतलब? एक साल पहले उसकी शादी हुई थी और 6 महीने पहले उसके पति की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। अच्छा अच्छा, विधवा है। अब उसके घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं और हम मना कर रही है, बहुत प्यार करती थी यार अपने पति से। यार आशीष भाई, भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलता है इंसान के साथ। बेचारी की उम्र ही क्या है, बड़ी जवानी में विधवा हो गई। अब हमें ही देख लो, 3 साल हो गए पत्नी को गुजरे हुए, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिलती काम धाम से, किसी और को देखे। सही बात कह रहे हो यार, ये तो भगवान की लीला है। यार आशीष भाई, तुम्हारे साथ बैठ के बहुत दिन हो गए चेस खेले हुए, बुलाओ यार कभी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी एक एक दाव खेलते हैं और चाय भी पी लेते हैं। अच्छा चल। मानसी। हाँ। नीरज भाई साहब आए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। अच्छा चेस लेकर आ जाओ, भाई साहब के साथ एक दाव लगानी है आज, और इनके लिए चाय भी और कुछ नाश्ता प्लीज। आरुषि वो चेस बोर्ड लेकर आना, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू। वैसे अरुषि ये हैं नीरज भाई साहब, हमारे पड़ोसी हैं, और ये हमारी प्यारी साली साहिबा जिनके बारे में बताया था आपको। जी नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत दुख हुआ आपके पति के बारे में सुनकर। 3 साल पहले मेरी बीवी की भी डेथ हो गई बीमारी से। अरे नीरज भाई साहब, आप कहाँ ये सब बातें लेकर बैठ गए? अच्छा बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है। लीजिए चाय। आरुषि जरा नाश्ता लेकर आना। चलिए। हाँ लीजिए आपकी चाय और गर्मा गर्म नाश्ता। थैंक यू। वैसे मानसी मैं सोच रहा था कि शाम को मूवी देखने चले, आरुषि का मन भी बहल जाएगा। सही कहा आपने, जब से आरुषि आई है ना बहुत उदास उदास सी रहती है। ठीक है फिर आज मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। ठीक है। वैसे वो है कहाँ? वो बाहर पौधों में पानी दे रही है। अच्छा जी आप? आपको यहाँ देखा तो चला आया। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। देखो आरुषि, मैं समझ सकता हूँ तुम किस दर्द से गुजर रही हो। मेरी बीवी मुझे 3 साल पहले भरी जवानी में छोड़ के चली गई। मैं जानता हूँ कितना अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा दुख दर्द बांटने। तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। अच्छा सुनो, मेरा बैग और ब्लेजर ला दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बैग लेकर आती हूँ। ठीक। देखो आयुषी, तुम भी तनहा हो और मैं भी, दोनों मिलके एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
तो बताओ मुझसे दोस्ती करोगी? बदतमीज। आयुषी लीजिए आपका जैकेट और आपके बैग। थैंक यू। आरुषि क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी उदास क्यों लग रही है? बोला ना दीदी कुछ नहीं। अच्छा जी तू जल्दी से नहा ले और फिर हम मंदिर चलेंगे। ठीक है दीदी। वो गार्डन का नल मुझसे बंद नहीं हो पाया, आप बंद कर देंगे? हाँ ठीक है मैं वो करती हूँ, तू नहा ले। कोई है क्या? मानसी भाभी आ गए सब? जी बोलिए। मानसी भाभी घर में नहीं है क्या? वो अंदर है। वो घर में ना थोड़ी चीनी खत्म हो गया है, मिलेगी क्या? आप रुकिए यही मैं लेकर आती हूँ। तो तुमने हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। नीरज भाई साहब आप? भाभी वो घर में ना थोड़ी चीनी खत्म हो गई थी, बस वही लेने आया था। अच्छा चलता हूँ। अच्छा बाय आयुषि। बाय। आयुषि कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं मार्केट जा रही हूँ और फिर शाम में हम तीनों फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है मानसे, मानसे। जीजू आप आ गए? हाँ तुम तैयार नहीं हो अभी तक? और मानसी कहाँ है? दीदी मार्केट गई है, आती होंगी। आप बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। जीजू थैंक यू, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। बस आई। आयुषि क्या हुआ, उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं दीदी, बस विकी की याद आ रही है। आयुषि मैं तेरे दुख को समझ सकती हूँ, उस दुख को बांट भी सकती हूँ, लेकिन आयुषि उस दुख से तुझे खुद बाहर निकलना होगा। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, मम्मी पापा के लिए ना सही, कम से कम विक्की के लिए प्लीज। देख तेरे आगे कितनी लंबी जिंदगी पड़ी है, अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत कर प्लीज। लेकिन प्यारी बेर तुम क्या? आशीष क्या हुआ? आयुषि बहुत परेशान है, वो विकी को बहुत मिस कर रही है, उसे भुला ही नहीं पा रही है। मैंने कितना समझाया उसे, प्लीज एक बार तुम भी समझाओ ना।
आंसी तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा, भूल जाएगी उसे। अभी सो जाते हैं, कल सुबह मुझे काम पे जाना है जल्दी। हाँ सो जाओ। आशीष, आशीष ये कहाँ चले गए? आशीष कहाँ चला गया ये? मानसी, कहाँ चले गए थे तुम? कुछ नहीं यार, वो बस नींद नहीं आ रही थी तो बाहर टहलने चला गया। बताना तो चाहिए था ना, जगा देते मुझे। तुम सो रही थी ना तो सोचा अकेले चला जाऊं। चलो आ जाओ अब। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। आशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमने मेरी दोस्ती के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मानसी। हाँ? मेरा बैग लेकर आना, लेट हो रहा हूँ यार। लाई लाई, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी फायदे में रहोगी। देखो मुझसे दूर रहो, समझे ना? तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। दोबारा मेरे नजदीक आए ना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये लो। थैंक यू। जल्दी आना। पक्का। हाँ मनीष। हाँ निकल रहा हूँ मैं। अब बताओ मंजूर है मेरा प्रपोजल? हाँ। छोड़ से, क्या कर रहे तू? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई आरिशी से बदतमीजी करने की? तुझे तो मैं शरीफ समझता था। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं आशीष भाई, मैं बस आरुषि से बात कर रहा था। और सराफत की तो तुम बात ही मत करो, अभी भी अकड़ दिखा रहा है। जी जी जाने दो, रहने दो। अरे अकड़ दिखा रहा है। जी जी रहने दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आयुषि के साथ बदतमीजी कर रही है। ये क्या है नीरज भाई, क्या बदतमीजी है ये? अपने पति से पूछो। देखा देखा, एक तो बदतमीजी करता है ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। आप शांत हो जाओ, आप ऑफिस जाइए, मैं देखती हूँ। शान से मार दूंगा मैं इसे। लीजिए शांत। ऋषि तुम ठीक हो? चलो ज्यादा टेंशन मत लो।
ऋषि, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आरुषि, क्या कर रहा था ये यहां पर? कल जब मैंने तुझसे पूछा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, तो क्या कहा था तूने? कि कुछ नहीं चल रहा दीदी। और आज सुबह इतना सब कुछ हो गया, तब भी तूने कुछ नहीं बोला। और अब ये सब यहां तक पहुंच गई बात, अब कुछ बोल। मानसी, क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? कुछ सोच रही हो क्या? बताओ। आशीष, मुझे लगता है कि नीरज भाई साहब और आरुषि का अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। अगर होता तो बताती ना मुझे सुबह। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? तुमने कुछ देखा क्या? नहीं, बस ऐसी मन में एक बात आई। यार तुम भी ना कुछ ही मत सोचा करो, चलो तुम चलो, मैं आती हूँ। दीदी प्लीज रहने दीजिए ना, ये सब की क्या जरूरत? तू चुप कर। कल रात को ये सब जो हरकतें की है ना तूने, वो कोई बहुत अच्छा नहीं किया तूने। बस मैंने जो फैसला कर लिया है उसी में हम सबकी भलाई है। नीरज भाई साहब बस आते ही होंगे, मैं उनसे बात कर लूंगी। दीदी पर, अरे आइए भाई साहब। क्या हुआ भाभी, यूं अचानक से? अगर आपको कल रात की बात के लिए कुछ कहना है तो मैं उसके लिए पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। दरअसल भाई साहब, मैं कल रात वाली बात की बात करना चाहती हूँ। मुझे आप दोनों पर शक तो पहले से ही था, लेकिन कल रात को जब मैंने आप दोनों को साथ में देखा ना, तो मुझे ये पता चल गया कि कहानी बहुत आगे तक पहुंच गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। तो फिर कैसा है? ये भी कह रही है कुछ नहीं है, आप भी कह रहे हो कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आपको बुलाती हूँ और सीधे सीधे आपसे बात करती हूँ। लेकिन कैसी बात? मैं सोच रही थी कि आप दोनों की शादी करवा दी जाए। देखो अगर आप हाँ बोलते हो तो मैं आज ही मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। बस करो भाभी, कुछ भी बोले जा रही हो। कल रात को जो हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी कर लूंगा। क्या खराबी है मेरी बहन में? पत जलन है आपकी बहन। चुप, बिल्कुल चुप। आगे बढ़कर आपसे मेरी बहन के रिश्ते की बात की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओगे। आप मेरी बात को गलत ले जा रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द और नहीं। अभी क्या अभी बाहर नहीं निकले ना, तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाना भी अच्छे से आता है। और हाँ, आइंदा से इस घर के आसपास और मेरी बहन के आसपास नजर भी मत आना, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं आपका। बहुत पछताओगी तुम दोनों बहनें। अरे जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। आरुषि, तू क्यों रो रही है? हाँ, अच्छा हुआ ना उसका असली चेहरा अभी दिख गया, बाद में दिखता तो बहुत तकलीफ होती तुझे। आरुषि, मानसी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जीजू? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। देखो देखो, कैसे लगे? अच्छी है, थैंक यू। सुनो, क्या हुआ इसे, इतनी सैड क्यों है ये? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गई? बुलाओ उसे, हम लोग लेकर चलते हैं। बस बस, इतनी भी खराब नहीं है, मैंने दवाई दे दी थी उसे। और तुम बहुत केयर करने लगे हो आजकल आरुष की, कभी तुमने इतनी केयर मेरी तो नहीं की? अकेली है बेचारी, अगर हम दोनों उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा बताओ? और उसके लिए तुम साड़ी गिफ्ट में लेकर आए, और मेरे लिए क्या? अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है जाने मन, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है।
आशीष, आशीष तुम आरुषि के कमरे में क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस मैं पानी पीने के लिए उठा था तो देखा कि उसके रूम की लाइट्स ऑन है, तो सोचा जाकर बंद कर दूं, बट वो सो रही थी तो आ गया बंद करके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, मुझे भी प्यास लगी थी। ठीक है, तुम पानी पीकर आ जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। ये ले, बस दी ऑन। अरे नहीं नहीं, एक और दो। अरे उसको नहीं खाना। अरे देखो कितनी कमजोर हो गई है, लो खाओ। रुको मैं खिलाता हूँ। सुन आरुषि, वो माँ का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि घर कब आने वाली है। अरे अभी से दिन ही कितने हुए आए हुए, कुछ दिन और रह लें दो, मैं बात कर लूंगा मम्मी जी से। तुम चिंता मत करो, तुम आराम से खाओ रहो। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों नींद नहीं आ रही, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस आरुषि के बारे में सोच रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना उसकी टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त दो से, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, और मैं हूं ना उसके लिए। आशीष एक बात पूछनी थी। पूछो ना। तुम कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रहे आरुषि की? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम, तुम भी तो केयर करती हो उसकी। हाँ मैं भी केयर करती हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही केयर नहीं करते उसकी। यार पता नहीं मानसी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सच ये है कि हम दोनों इसकी केयर करते हैं, और बेचारी जिस दौर से वो गुजर रही है ना, हम दोनों की सपोर्ट की जरूरत है उसे, आखिर वो हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ अच्छा छोड़ना ये सब बातें, आज ना मेरा प्यार खाने का बहुत मन कर रहा है। आशीष आज मेरी तबीयत बहुत खराब है।
आशीष, तो ये वजह थी जिसकी वजह से इतनी केयर कर रहे थे तुम इसकी? मैं समझाता हूँ तुम्हें, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है, पता है सब गलती इसकी है। जब तुम नहीं होती थी ना घर में, पीठ पीछे डोरे डालती थी ये, क्या करता मैं, मर्द आदमी फिसल गया। I'm sorry, I'm really sorry मानसी, लेकिन सारी गलती इसकी है कसम से। पूछो इसे, पूछो जरा। आरुषि सही कह रहे हैं आशीष, बोल बोल, अब बोलती क्यों नहीं? सही बोल रहे थे नीरज भाई साहब कि तू है ही बच्चा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने जीजा के साथ मुंह काला करते हुए? जब नीरज भाई साहब का इस घर में आना जाना बंद हो गया तो तूने मेरे ही पति पे डोरे डालना शुरू कर दिए। गलती तो मेरी ही है कि मैंने तुझ पे तरस खाकर तुझे अपने घर में बुलाया और तू मेरे घर में आग लगाने लगी। सॉरी दीदी, सॉरी, सॉरी होने वाली बात है, सॉरी होने वाली बात है। नहीं, अब तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू इस घर से बाहर निकल जा। अगर सुबह तक तू इस घर से बाहर नहीं गई ना तो मैं तुझे धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती बहन के नाम पे कलंक है तू। चलिए मैंने तुझ पे तरस खाकर तुझे अपने घर में बुलाया और तू मेरे घर में आग लगाने लगी। बहन के नाम पे कलंक है तू। गई थी
मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसकी परमिशन के बिना मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। कहानियां खत्म नहीं हुई। जीजू अभी क्या कर रहे? कुछ नहीं, प्यार कर रहा हूँ तुम्हें। ये गलत है, छोड़िए मुझे। तुम इतनी हॉट हो, कम ऑन यार, एंजॉय करो मेरे साथ ना, प्लीज। ये क्या बकवास? क्या ये बदतमीजी? मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। अरे दीदी के बारे में तो सोचा होता, उन्होंने देख लिया था वो क्या करेंगी। अच्छा ये देख, प्लीज इसे डिलीट करो जी। सोच सोच, अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया तो क्या होगा तेरा? तेरे मम्मी पापा बहन शर्म से मर जाएंगे, और तू तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। तो मान मेरी बात, जो कह रहा हूँ कर ले। प्लीज जीजू छोड़ दो मुझे, मेरी इज्जत का सवाल है। तेरी इज्जत ही तो चाहता हूँ मैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं छोड़ दी थी मुझे, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज मुझे जीजू, प्लीज जीजू मुझे छोड़ दो। जीजू छोड़ दूंगा। प्लीज सुन, अगर किसी को भी इसके बारे में बताया ना, मेरा बिना परमिशन के यहाँ से गई कोई वीडियो सोशल मीडिया पे होगी, उसके बाद तो तुझे पता ही क्या होगा, है ना? चल तैयार हो जा, मानसी जल्दी आ जाएगी। और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। ओहो, इतने नखरे। चलो तुम्हारे नखरे कम कर देते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें तुम और तुम्हारे जीजू ही हो ना। बड़ी सती सावित्री बन रही थी, अब क्या हुआ, मंजूर है मेरा प्रपोजल? सोच लो, आज रात 12 बजे तक का टाइम है, रात को आऊंगा 12 बजे,
अगर दरवाजा नहीं खोला ना तो ये वीडियो कल सुबह तुम्हारी दीदी के साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी। दीदी मैं बहुत मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए। आशीष ने और उस नीरज ने, दोनों ने मेरा शोषण किया, मेरा रेप किया। मुझे खुद से घिनाने लगी है। अब मैं तुम्हारी नजरों में भी गिर गई हूँ। बचपन से लेके आज तक तुमने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज आज वो दिन भी आ गया, और वो भी इस आशीष के वजह से। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैंने इस आशीष को मारा। दीदी अब मैं भी जीना नहीं चाहती, मैं भी मरना चाहती हूँ। Oh,